नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एक खास कार्यक्रम मुद्दा आपका में आपका स्वागत है। मुद्दा आपका मतलब उस मुद्दे पर चर्चा जिस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे हो, जिस मुद्दे के जरिए आपका भला हो सके और आपके जरिए फिर देश का भला हो सके। तो आज आपका मुद्दा में बात होगी आपकी और बात होगी अपनों की। अपनों की इसलिए क्योंकि कई अपने ऐसे हैं जो इस वक्त दूसरे मुल्कों में फंस गए हैं। फंस वो यूं गए हैं क्योंकि दरअसल अब युद्ध की घड़ी है। तो युद्ध की घड़ी जहां रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में अब हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारे छात्र वहां पर जो अपनी शिक्षा लेने गए थे, जो किसी और कार्य की वजह से वहां गए हुए थे, वो फंस गए थे। हालांकि फिलहाल का अपडेट ये है कि वायुसेना का विमान वहां से छात्रों को लाने के लिए अब तैयार है और बातचीत भी हो गई है, पहली खेप के आने की भी चर्चा है। लेकिन ऐसे में जहां एक तरफ यूक्रेन कह रहा है और दावा कर रहा है कि उसने 1000 रूसी सैनिक मार गिराए हैं, उसने इतने बंकरों को तबाह कर दिया, वहीं दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि उसने भी इतने बंकरों को तबाह कर दिया। नाटो की क्या भूमिका है? तो नाटो को दरअसल इस वक्त निंदा करने से ही काम चला रहा है। बाकी यूएनओ के लिए कहा जा रहा है कि यूएनओ का मतलब है, यू का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एनओ का मतलब है नो। तो आप बिग नो फॉर ईच एंड एवरी कंट्री हु बिलीव्स इन पीस। तो यूएनओ आज इस पोजिशनिंग पर है, इस पोजिशन पर है। लेकिन ऐसे में हमारे जो लोग बाहर इस वक्त युद्ध के चलते फंसे हुए हैं, उनके परिवार क्या सोच रहे हैं, इस पूरे भाव को, इस पूरे क्षण को महसूस करेंगे आज। और यूक्रेन से हमारे साथी जुड़ेंगे और भारत में रह रहे उनके परिजन, उनके माता पिता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बरेली से आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और थोड़ी ही देर में बरेली के उस छात्र से आपको भी मिलवाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, जो इस वक्त यूक्रेन में युद्ध के बीच फंसा हुआ है, कैसा महसूस कर रहा है, परिवारजन कैसा महसूस कर रहे हैं, सारी बातचीत आपको सुनवाएंगे और मैं भी इस वक्त बातचीत करूंगा। लेकिन उससे पहले बरेली से हमारे संवाददाता ने थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी चर्चा कर भेजी है, इसको सुनिएगा। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, ऐसे में बरेली के तमाम युवा जो है वो वहाँ पढ़ाई करने गए थे, उन्हीं का एक परिवार हमारे साथ है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया उनसे बात करेगा कि किस तरीके के हालात हैं और अपने बच्चों को लेकर जो हुकूमत है उनसे क्या मांग करेंगे। सर, किस तरीके के हालात हैं वहाँ पर? और हालात तो सर, टेंशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने बिल्कुल अभी उसको कॉल किया था, तो उसने कहा था अभी लवीव पर अटैक हुआ है। वो लवीव इवानो से 130 किलोमीटर के करीब दूर है, तो और एयर स्ट्राइक होती है तो 500 किलोमीटर भी कुछ मायने नहीं रखता है। तो टेंशन बहुत ज़्यादा है और अभी भी वो ये कह रहा था बेटा कि पता नहीं अब हम कैसे निकलेंगे, क्योंकि लवीव इज़ अंडर अटैक और लवीव पे ये दूसरा अटैक था कल के बाद। इवानो पर कल हमला हुआ था तो उनका एयरपोर्ट उन्होंने उनको बिल्कुल डैमेज कर दिया था, अनसर्विसेबल कर दिया बिल्कुल। कीव बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है कीव में, और इसी तरह से खारकीव जो टाउन है, रशिया का बिल्कुल पड़ोसी इनका शहर है, बड़ा शहर है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन बच्चे सेफ हैं, बस हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत से क्या मांग करेंगे, किस तरीके से? देखिए, मांग तो ऐसे में नहीं कर सकते बिल्कुल, कोई ये मांग का वक्त नहीं है, रिक्वेस्ट का वक्त है। और हमने रिक्वेस्ट उसी वक्त भेजी थी प्राइम मिनिस्टर को, उनके ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल पे भी भेजी थी, फिर उनके पर्सनल ट्विटर हैंडल जो है प्राइम मिनिस्टर साहब का, उनको भेजी थी कि प्लीज़ हेल्प करें और यूक्रेन और रशिया को एग्री करें कि हमारे बच्चे निकल आएँ, क्योंकि वॉर को रोकना इंडिया के बस में नहीं है या किसी के बस में नहीं है। वॉर को रोकना तो वो वारिंग पार्टीज ही करेंगे, लेकिन हम उनको कन्विंस कर सकते हैं भाई इट इज़ नॉट गुड। तो प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की उनसे हमारे, और हमें उम्मीद भी थी कि इंडिया का जो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ, बहुत रिच हैं, बहुत साउंड हैं, उसका कहीं पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर मिलेगा। ये इकबाल साहब थे जिनके बेटे और बेटी MBBS करने यूक्रेन में गए थे, लेकिन अचानक हालात ख़राब हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत से वो अपने बच्चों को वतन वापसी की गुहार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए आसिफ सारी बरेली। तो इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना अपने हाथ में सत्ता को ले। तो इस वक्त जहां पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं से जूझ रही है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कल देर शाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
व्लादिमीर पुतिन से बात की और सीधे तौर पर कहा है कि रास्ता निकालना ही हल है, युद्ध हल नहीं हो सकता। और व्यंग की बात यह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी ये कहा है और ऑफिशियल रूप से कहा है कि रशिया हल निकलेगा तो सिर्फ ऐसे कि अगर आप पीस की बात करेंगे। और आज ऐसे में मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो कि हमारे साथ यूक्रेन से हमारे साथी जावेद साहब भी हैं, कल भी थे हमारे साथ, और आमिर साहब भी हैं, यूक्रेन से हैं आप भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद साहब नमस्कार, स्वागत है सर आपका। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद जी जावेद साहब, और हमारी बात इंडिया गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को। जी जावेद साहब, और जावेद साहब के हमारे साथ बताया जा रहा है कि माता पिता भी हैं, पिताजी हैं जावेद साहब के, तस्बीह इकबाल साहब, स्वागत है सर आपका। हेलो जी, और डॉक्टर ताहिर जी भी हमारे साथ, आमिर के साथ भाई हैं आमिर के आप। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है, और आमिर साहब आपका भी स्वागत है। तो आमिर साहब चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। जी जी, सबसे पहली बात तो चेहरा है आपका खिला हुआ, तो कोई समस्या तो नहीं है आपकी तरफ से? समस्या बाहर है आपके अंदर नहीं है? यही समस्या थोड़ी सी अब इसलिए थोड़ी सी खुल गई, चेहरे पे रोशनी आ गई है क्योंकि हमको एक राह मिल गई है निकलने के लिए। हमारी एम्बेसी की तरफ से और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कल हमको यहाँ से हंगरी के लिए निकाला जाएगा 9 बजे। बिल्कुल सर, तो थोड़ी सी जो हमारे ऊपर जो शिकन थी वो दूर हो गई है और थोड़ी सी अंदर से खुशी जाहिर हो रही है। जी बिल्कुल, और जैसे कि हमारे इधर आप, क्योंकि चूंकि आप भी यहीं से हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश में हंसी मजाक में कहा जाता है कि टेंशन गई पेंशन लेने, तो आप जितनी टेंशन थी वो सब समाप्त है और कल से शुरू भी हो गया है। वायुसेना की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि अब जो हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा, वापस लाया जाएगा विमानों के जरिए। तो ऐसे में डॉक्टर ताहिर साहब भी हैं, आपके भाई हैं बताया गया है मुझको, ताहिर साहब। बिल्कुल, अब आमिर साहब आ रहे हैं, काफी परेशान, जितने परेशान, मैं इस बात को बहुत जिक्र करता हूं, जितने परेशान आमिर नहीं रहे होंगे उससे ज्यादा परेशान ताहिर भाई आप रहे होंगे। जी सर, इनकी सिचुएशन हम लोग को जो न्यूज के जरिए मिलती थी तो काफी फाइनली वाली कंडीशन थी, तो इसके वजह से हम लोग की कंडीशन बहुत खराब थी। घर पे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सबको बहुत दिक्कत होती थी, तो वहाँ पे स्थिति इतनी खराब थी। मैं भारत के प्रधानमंत्री का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे भाई को कल सुबह में इवैक्यूएट किया जाएगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा माननीय प्रधानमंत्री। जी ठीक है ताहिर साहब, और अभी तक ताहिर साहब आपको क्या सूचना मिली है? मतलब आप अब तो पता है कि आमिर साहब आ रहे हैं, कल आमिर साहब को बता दिया गया है कि एम्बेसी के जरिए कि आप हंगरी होते हुए जैसे तैसे आएंगे, तो आपको क्या सूचना दी गई है, कब तक आ जाएंगे आपके भाई साहब? चलिए ताहिर साहब का शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, कॉलेज की जो बस उसके थ्रू वो हंगरी जाएंगे, और ये है हमारे लिए कि उस जगह से यूक्रेन से बाहर कहीं पे वो एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाएं, उसके बाद टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा। जब तक वो यूक्रेन में बने हुए हैं तब तक हम लोग का टेंशन बना हुआ है। बस एक दिन की और बात है, क्यों आमिर साहब एक दिन की और बात नहीं है? सर अभी एक दिन की, दरअसल अब मैं बताना चाहूंगा कि बात एक दिन की नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लोग हमारे सीनियर थे वो अपना खुद का टैक्सी करके वो यहाँ से निकले हैं, तो वो बता रहे हैं कि हंगरी बॉर्डर के पास में अभी काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लगभग 8 किलोमीटर की जो है लाइनें लगी हुई हैं, तो इतना आसान नहीं है निकलना। और हमने अभी कॉल किया था एम्बेसी को, यूक्रेनियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी को कॉल किया था जो यूक्रेन में है, तो हमने उनसे बात किया था, तो उन्होंने कहा है कि आप यहां से जाइए, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन जब तक आप पहुंचेंगे तब तक उम्मीद है कि हमारी एम्बेसी वहां पे काम करेगी और आपको वहां से सेफली इवैक्यूएट करेगी। तो ये सुनकर के हमें काफी अच्छा लगा और हमें काफी पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, और हम अपने भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे, और इस मुश्किल घड़ी में जो आप हमें याद भी करते हैं और हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाते हैं,
तो आपके माध्यम से सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूंगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारी बातों को कम से कम पहुंचा तो रहे हैं, लोगों को हमारे दुख और दर्द को अच्छी तरीके से आप जान पहचान रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शुक्रिया सर। जावेद साहब के पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले आमिर जी, आप क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? और आपके साथी भी एक आपके बिल्कुल स्क्रीन पर मैं देख पा रहा हूँ, एक साथी भी है, उसका आधा चेहरा आ रहा है, उनसे भी मेरा तारुफ करा दीजिएगा। और ये हमारे दोस्त हैं, आकाश भाई हैं, ये भी यहीं से साथी में हमारी पढ़ाई करते हैं। और ये हमारे और दोस्त हैं, अहमद भाई हैं, ये भी साथी में पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग काफी घबराए हुए हैं, बल्कि ये लोग हॉस्टल में रहते थे, तो जो भी सिचुएशन होती थी, जो भी बाहर के सायरन बजते थे, जो भी फाइटर जेट यहाँ से डेली का डेली जो है यहाँ से टेक ऑफ करता है और आसमान में जो है आवाजें आती हैं, तो काफी उससे खौफ बना हुआ है। और हमारे यहाँ बगल में एयरपोर्ट है, वहाँ पे अटैक भी हुआ है तो बैलिस्टिक मिसाइल से, तो इससे काफी घबराए हुए थे। अब जब हमको यहाँ से इवैकुएट की जो खुशी का जो अब हम आपको बता नहीं सकते हैं, और हम जब यहाँ से निकलेंगे तो उसकी खुशी आप उसका अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। तो ये सब डरे हुए हमारे ये दोस्त हैं और हमारे साथ में हैं, कुछ चीजें ये बताएंगे आपको कि बाहर का क्या माहौल था। आज ये गए भी हुए थे अपने हॉस्टल, तो देखा है इन्होंने करीब से, तो ये बताएंगे आपको कि क्या चीजें हो रही हैं बाहर से। बाहर में दरअसल ये है कि खाली मतलब काफी सुनसान हो चुका है हमारा शहर, और आर्मी वाले घूम रहे हैं यहाँ पे, यूक्रेनियन आर्मी घूम रही है यहाँ पे। और हमारे कॉलेज के तरफ से हमारे लिए बस की सुविधा की गई है, तो कल सुबह हम मतलब 9 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे हंगरी के लिए, और फिर वहां से जो भी मतलब वीजा का प्रोसेस रहेगा और इवैक्यूएशन का प्रोसेस रहेगा, वो सब चीजें कल फिर होंगी हमारे लिए। मैं चाहूंगा भगवान अल्लाह ताला करे कि आप जल्दी वापस लौटें, और दिल्ली होते हुए ही जाएंगे, तो दिल्ली में अगर आएंगे तो हमारे दफ्तर भी होते हुए जाएगा, बिल्कुल हमारे दफ्तर भी होते हुए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं इस माध्यम से। नहीं, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। नहीं सर आभारी। बाकी जावेद साहब भी हमारे साथ हैं। जावेद सर, ये बताइए, कल भी आपसे मेरी बात हुई थी, कल के हालातों में और आज के हालातों में कितना फर्क पैदा हुआ है? इसके अलावा ये है कि कल तक आप जैसा कि बता रहे थे कि अभी तक कोई सूचना नहीं है, एम्बेसी की तरफ से भी आपने बताया था कोई किसी तरीके का हल नहीं निकाला गया है, सूचना नहीं दी गई है, आज किसी तरीके का आपके पास ऑफिशियल कुछ भी आया है नोटिफिकेशन? जी सर, ऑफिशियल ये आया कि यहाँ से खारकिव से जो बॉर्डर है सर हंगरी का, वो लगभग 1450 किलोमीटर है, तो उसके लिए बसेस वगैरह की व्यवस्था बोली है। कल सुबह 9 बजे लगभग 20 बसें लगेंगी यहाँ खारकिव रीजन से। 20 बसें वैसे इनफ नहीं है, लेकिन एक दिन में 20 जा रही है, तो 20 छोड़ने के बाद नेक्स्ट 20 डे आफ्टर टुमारो लगेंगी परसों, तो ये 20-20 करके ले जाएंगे। काफी उम्मीद की किरण जगी है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से गवर्नमेंट के कानों तक आवाज पहुंची है और वो व्यवस्था कर रहे हैं। और यहाँ सिचुएशन सर, आप पूछ रहे थे कि कल के कंपैरिजन में आज कैसी है, तो सिचुएशन सर कल के कंपैरिजन में आज ज्यादा वर्स्ट हुई है, और अभी भी मैं साउंड हियर कर रहा हूँ, मेरी विंडो अभी वाइब्रेट कर रही है। काफी बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह दागी गई है आज, और आज जो रशियन आर्मी वगैरह है वो आसपास देखी गई है खारकिव के। जी, और जावेद साहब, आमिर साहब, आपको एक और बात बताना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां पर हैं, यहाँ के माहौल को हम जिस हिसाब से समझ पाते हैं, हम खबरों में रहते हैं, आज पूरे दिन आज कम से कम नहीं तो मैंने 400-500 खबरें ऐसी देखी हैं असाइनमेंट से, जो कि इसी चीज से संबंधित थी, यूक्रेन में हमारे जो भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं, ये कीवर्डिंग में जो हम लोग पकड़ते हैं, ये खबरें थी। और इसमें अधिकतर खबरों में ये था कि परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द वापस लाया जाए, जल्द से जल्द वापस आए। तो ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से ही है, आपके परिजन, आपके लोग, हर तरफ से सरकार को ज्ञापन अपने लेवल से डीएम को दिया जा रहा है, अपनी तरफ से नेताओं से डिमांड की जा रही है कि वापस लाया जाए। तो एक प्रेशर जो है, क्योंकि हम दिल्ली के भी काफी जानते हैं, समझते हैं यहाँ से भी गवर्नमेंट को भी, तो इनके ऊपर भी काफी प्रेशर है, और ये लोग भी अपनी तरफ से यहाँ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर अपनी तरफ से 100% होल्ड दे रखा है कि हाँ करना है, वापस लाना है। वायुसेना की तरफ से भी बातचीत चल रही है, उनकी तरफ से भी हमारी एक बात हो रही थी कुछ देर पहले, एक अधिकारी थे, उन्होंने भी हमको यही बताया है कि हमको कह दिया गया है कि आपको वापस लाना है, और हमने भी कह दिया कि हम वापस लाएंगे, लेकिन कैसे लाना है इसको लेकर अभी प्रक्रियाएं जो है उसको ठीक दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चूंकि आपके पिताजी भी मेरे साथ हैं, जावेद साहब, सर नमस्कार, सर स्वागत है आपका। नमस्कार।
अभी मैं देख रहा था आपको, आपकी हमारे रिपोर्टर साहब ने आपकी बाइट लिया होगा, आपका स्टेटमेंट लिया होगा, बड़ा खुलकर बोलते हैं आप, बड़ा अच्छा बोलते हैं आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा सब बोलने का। तो ये साहब 33 साल हो गए बोलते हुए, मैं एज अ टीचर केंद्रीय विद्यालय में हूं। जी सर, आई एम सर्विंग एज अ लेक्चरर देयर। ओके ओके, तो बोलना तो हमारा पेशा है। बिल्कुल सर। और मैं ये और जानना चाहता हूं, अब जो सिचुएशन बनी है, सिचुएशन जो बनी है यूक्रेन में, अब तो उससे कंडीशन और वर्स हो रही है। कल सुबह बेटा है मेरा मोहन सिमाल खान और तस्वीर इकबाल बेटी, दोनों बच्चे वही हैं। अच्छा अच्छा सर। और कल सुबह जैसे छोड़ देते थे तो मैसेज छोड़ा तो ही सेड वॉर इज ऑन। तो आई वाज शॉक्ड कि कल रात लगभग 1:30 बजे बात हुई है तो बिल्कुल ठीक थे, बच्चे चेयरफुल थे, कह रहे थे ठीक है आप सोइए हम सोने जाते हैं, जल्दी सोएंगे आप। और हॉरिजॉन का मतलब मैंने कहा आप झुके, ही सेड नो। फिर मैंने कॉल किया तो कल किया, उसी वक्त मैंने भी एक ब्लास्ट साउंड सुनी, बहुत ही हॉरिबल सी, और उसने दिखाया मुझको वीडियो में कि एक धुआं है। तो इंडिकेटेड द एरिया कुड बी अराउंड 5 किलोमीटर। आवाज नहीं जा रही क्या उसकी? फ्रॉम माय सन्स हॉस्टल। उसके बाद वो काफी परेशान हो गया और फोन कट गया। आगे मैंने आधे घंटे के बाद कॉल किया, काफी समझाया उसको कि जो जेनीवा कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली रिहायशी इलाकों पे बम्बार्डमेंट है वो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड है, उसको आपकी तरफ नहीं होगा, लेकिन ये आप फिर भी आप ग्राउंड फ्लोर पे चले जाइए, अपना पानी और अपना बहुत ही नेसेसरी आइटम जो है वो रखिएगा अपने पास। कल रात तक काफी नॉर्मल हो गए थे बच्चे, उनको खाना वाना भी खाया उसने, लेकिन आज जब मैंने इवनिंग अराउंड अबाउट 5:30 उससे कॉन्टेक्ट किया तो बहुत परेशान, वो कह रहा था उसके पहला डायलॉग ये था कि शायद हम निकल नहीं पाए, क्यों नहीं निकल पाएंगे, कह रहा कुछ भी हमें अपडेट नहीं मिला, हमने अप्लाई भी किया है के थ्रू। मैं कह नहीं है, वर्क इज ऑन, काम हो रहा है और आप लोगों के लिए ही हो रहा है और आप अकेले नहीं है, आपके जैसे 18,000-19,000 बच्चे हमारे और हैं। तो इस तरह से राउंड अबाउट मिल रहे लोग तो इंडियंस डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस ट्रबल में। आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए और आप तो समझदार है, दूसरों को भी समझाते हैं। उसके बाद कहने लगा नहीं अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बाद में पता ये चला कि होप है कि शायद बस से भेजेंगे इमारों से, लेकिन अभी पता चला ये पता चला कि 8 किलोमीटर लॉन्ग क्यू है तो दैट इज मोर ट्रबलसम रादर देन इट्स बेटर टू स्टे बैक इन द हॉस्टल रादर देन स्टैंडिंग ऑन द क्यू। वो क्यू में खड़े रहने से बेहतर है हॉस्टल में रहे, सेफ रहे बस। और जहां तक अंग्रेजी का सवाल है, अभी वहां पर जो है ट्रांजिट वीजा वो अरेंज किया जाएगा और ट्रांजिट वीजे के बाद कहीं फ्लाइट लेने का नंबर आता है, तो फ्लाइट भी इतना लेना बच्चों के लिए इतना आसान नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट 1 or 2, वी आर अराउंड अबाउट 20,000। तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाया है इसको कंटिन्यू करेंगे और इवन मोर एंथुसियास्टिकली लेवल पर, क्योंकि बच्चे सब उनके ही हैं, डेमोक्रेसी सन ऑफ ऑल इज सन ऑफ ऑल। तो सही बात है कि लग रहा है कि कल तक अगर जो हॉस्टल में स्टैंडर्ड थे उससे बेहतर है कि हाँ आप कहीं बाहर निकले हैं तो थोड़ी सी संभावना जो है वो जागी है, उम्मीद भी जागी है। एक और हमारे साथ हमारे भाई जुड़े हुए हैं सेकंड विंडो में, सर आप अपना नाम बता दीजिएगा। सर यहाँ पर मेरे पास नाम नहीं। जी सर, महेंद्र प्रताप पांडे। जी मेरे भाई हैं राहुल प्रताप पांडे जो कि यूक्रेन में है। जी तो जी खार्किव सिटी में है। बिल्कुल जी, आपकी लास्ट दफा कब बात हुई थी उनसे? जी मेरी लास्ट दफा अभी बात हुई है कुछ टाइम पहले, करीबन 10 मिनट पहले हुई है। ठीक है, क्या बता रहे थे वो? तो उन्होंने कहा कि अभी कोई अफसर आया था, उसने बोला कि अभी कुछ टाइम बाद मैक्सिमम आधे घंटे बाद यहाँ पे फिर से कुछ धमाके होंगे।
जी, और वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, वो लोग अभी भी बंकर में ही हैं, मेरे पास वीडियो है, भाई अभी आए थे बट उनका नेटवर्क कुछ स्लो चल रहा है वहाँ का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बमबारी चालू है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और बाकी इवैक्यूएशन का क्या सीन बताया उन्होंने कि आने के लिए कुछ बातचीत हुई हो वहाँ पर अधिकारियों से? नहीं, अभी वहाँ के अधिकारियों से वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हुई है, बाकी वो लोग बंकर में ही है, खाने पीने का भी सुविधा वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल भी कर रहे हैं तो फिलहाल अभी वहाँ इंडियन एम्बेसी से उन लोगों को कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, बंकर में है सारे, और भी कई भारतीय होंगे उनके साथ वहाँ बंकर में? जी, करीबन करीब 400-500 बच्चे होंगे। ठीक है, जावेद साहब कल बंकर में भी गए थे, जावेद जी ये बताइए बंकर में मतलब जो छात्र हैं, जो लोग बंकर में हैं, भारतीय जो बंकरों में हैं इस वक्त, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, मतलब खाने पीने की, बाकी और भी अलग चीजों की, कैसे मतलब कैसे बंकर में कैसे रहने सहने का? खाने पीने की बंकर्स में कोई व्यवस्था नहीं है, जो बच्चे खुद अपने बैग में डाल के ले गए बंकर में वही खा रहे हैं, या बॉटल लेके गए पानी के लिए वो पी रहे हैं, और बंकर का जो टेम्परेचर है वो -3-4 degrees है, क्योंकि वहाँ कोई हीटर वगैरह की व्यवस्था नहीं है, फ्लैट वगैरह में हीटर रहते हैं, बंकर में कोई व्यवस्था नहीं, वो -3 degrees में पूरा रात वहाँ स्पेंड करना पड़ रहा है। यस सर, और सर यहाँ मशीन वगैरह में पानी भी खत्म हो रखा है, ATM वगैरह में कैश नहीं है, आप पैसा नहीं निकाल सकते, और बैंक में भी कैश नहीं है, काफी केओस की सिचुएशन है, काफी क्रिटिकल सिचुएशन है सर। बिल्कुल सर, चलिए आप सभी से मिला हूँ आज, कल फिर एक बार बात करूँगा और अपडेट लेते रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे, और अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि जल्दी आप लोग वापस लौटें, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी आप सभी जो हमारे भाई यूक्रेन में हैं वापस लौटें, और पूरा भारत जो है आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप जल्दी से सकुशल भारत वापस लौटेंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुद्दा आपका भी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे यूक्रेन में जो भाई हैं वो हमारे साथ थे, और साथ ही साथ उनके परिजन, उनके परिवारजन जो यहाँ पर हैं उनको भी हम लोगों ने जोड़ा था, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि हालात क्या हैं, दरअसल क्या हमारे भारतीय भाई बहन स्वस्थ हैं, सकुशल हैं, उनके क्या हालात हैं, और सरकारें और हुकूमतें जो ये कार्यक्रम को देख रही हों वो ज़रूर समझें और सोचें कि भारतीयों को भारत लाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, बजाय इसके कि किसी भी डिप्लोमेटिक स्टैंड, किसी भी स्टेटमेंट का इंतज़ार किया जाए, या फिर अन्य दलीलें या अन्य तरह के स्टेटमेंट्स जारी किया जाए। सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली सिर्फ एक ही, कि भारतीयों को वापस लाया जाए, यही होना चाहिए भारत सरकार का मुद्दा। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, शुक्रिया।